साथियों नमस्कार। साथियों, राजस्थान उदयपुर से डॉक्टर अशोक शर्मा जी हैं जो सीएमओ रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी देखिए, वो वहां से रिजाइन करके और जो दिल्ली के अंदर जो मोर्चा लगा, जो धरना चला कुंडली बॉर्डर पे, उस पर लगातार वो आके अपनी सेवा देते रहे हैं और लंबे टाइम तक यहाँ पे उन्होंने अपनी सेवा निभाई है और उदयपुर में गौशाला चला रहे हैं और वहां पे गौशाला का बोर्ड लगा हुआ था और किसान उनके झंडे लगे हुए थे। दुखदाई है कि उन्होंने कल जो है परसों उन्होंने एक वीडियो पाई थी कि देखो यहाँ पे हम ऐसा काम कर रहे हैं, गौशाला है और किसान उनके झंडे लगे हुए हैं। तो कल वहां पे हाईवे वाले गए हैं और उन्होंने जो है वो झंडे उतार दिए हैं और वहां पे तोड़फोड़ कर दी है और गौशाला का जो बोर्ड लगा हुआ था वो भी उन्होंने उतार दिया है, उसको भी तोड़फोड़ के साथ उन्होंने फेंक दिया है। तो साथियों अति दुखदाई है और इस डॉक्टर साहब को जो किसानों के लिए, जो देश के लिए, जो बहुत ही बड़ा समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जिसने गौशाला भी अपनी बनाई हुई है, उसको मारने तक की धमकियां कई बार मिल चुकी हैं। यानी जो यहाँ पे अच्छा काम करता है उसको यहाँ पे कोई करने नहीं देता, उसको यहाँ पे रोका जाता है और अति दुखदाई है। हम सरकार को एक तरह से कहना भी चाहते हैं, चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आखिर आप देश का क्या बनाना चाहते हैं, समझ नहीं आती हमें। जो ऐसे समाज सेवी लोग हैं उनकी तो सेवा करनी चाहिए, उनकी तो सरकार को साथ देना चाहिए, उल्टा ये कहाँ का तरीका चला दिया है कि उनके बोर्ड भी पाड़ ले जाओ, झंडे क्या वहां पर नुकसान कर रहे थे किसी का, अगर भाई किसान यूनियन का कोई झंडा लगा हुआ है तो किसी को उसके क्या, किसी को उसके पेट में दर्द है, अगर वहां गौशाला का बोर्ड लगा हुआ तो किसी को क्या तकलीफ उससे हो सकती है। लेकिन उसको प्रताड़ित करने के लिए मारने तक की धमकियां ऐसे देवता आदमी को, तो हम साफ तौर पर बता देते हैं कि हम इस आदमी से, इस डॉक्टर साहब से अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो हम उसके साथ खड़ेंगे, पूरा देश उसका साथ देगा। सरकार इसको चेतावनी समझ ले, सरकार इसको जो मर्जी समझ ले, लेकिन हम साफ तौर पे बता देना चाहते हैं कि जो भी अच्छा लोग होगा और उसके साथ कहीं भी ज्यादती होगी तो हम उसके साथ खड़ेंगे। ये डॉक्टर साहब जो है बड़े समाज सेवी आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, सीएमओ के पद पे होते हैं, रिजाइन दे के जो जनता की सेवा कर सकते उससे अच्छा आदमी और क्या हो सकता है। तो साथियों हमने इसका पूरी तरह से साथ देना और सरकार से चेतावनी है कि इसे छेड़छाड़ ना करें।